वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट पेश किया है सदन में, जाहिर तौर पर सबकी आकांक्षाएं, सबकी निगाहें, सबकी उम्मीदें आज के बजट पर थी, और जिस तरीके से आज बजट पेश की गई है, तमाम बातें हैं और तमाम चीजों का उद्घोष इस बजट में किया गया है। गरीब और किसानों के लिए 100 यूनिट बिजली देने का प्रावधान। इसके साथ साथ वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने आज 2022-23 के लिए बजट पेश किया है, करीब 1,01,101 करोड़ का ये बजट इस बार, तो राजस्व से राज्य को कई 100 करोड़ प्राप्त हुए हैं। कोविड की वजह से राज्य के विकास दर में गिरावट सामने आई थी, इसको लेकर भी रामेश्वर उरांव ने तमाम बातें कही हैं। इसके साथ साथ बताया है कि किस तरीके से कोरोना के दरमियान जो झारखंड की अर्थव्यवस्था थी उसमें गिरावट दर्ज की गई। आपको बताएं कि लगातार जिस तरीके से जो आर्थिक विश्लेषक हैं वो उम्मीद कर रहे थे, वे लगातार इस बात की जानकारी दे रहे थे कि इस बार के बजट में कृषि के मसले पर, शिक्षा के मसले पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले पर तमाम बातें होंगी और उसको लेकर बजट में काफी उम्मीदें जाहिर की जा रही थी। और आज इसी के साथ, उन्हीं तमाम आकांक्षाओं के साथ बजट पेश की गई है। तमाम बातों का ध्यान रखा गया है, मसलन बिजली से लेकर बेहतर जीवन के लिए सुविधा को लेकर, शिक्षा को लेकर। तो 2022-23 के लिए बजट पेश किया गया है, इज ऑफ डूइंग बिजनेस की बेहतरी के लिए काम का प्रावधान। तो आधारभूत संरचना पर सरकार का जोर है। तो सीएम की दूरदर्शिता से झारखंड आगे बढ़ा है, ऐसा कहा है वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने। आज सदन की कार्यवाही चल रही थी, सदन में आज आम जो बजट है, जो झारखंड का बजट है, उसे पेश किया गया है। और कल के दिन, जो कल बीते दिन जो है वो आर्थिक बजट पेश किया गया, तो इकोनॉमी सर्वे रिपोर्ट कल पेश की गई थी, जिसमें बताया गया था कि झारखंड ने अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर क्या कुछ किया है, क्या कुछ हासिल किया है, तो इसको लेकर भी बजट पेश किया गया था। आपको बताएं, कल से ही लगातार चर्चा चल रही थी, न्यूजीलैंड भारत के रिपोर्टर लगातार इस बजट और इसकी कार्यवाही पर लगातार नजर बनाए रख रहे थे। तो आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर जो अहम घोषणाएं हुई हैं कि राज्य में बड़ी संख्या में पलाश आउटलेट खोले जाएंगे, तो तमाम बातें की गई हैं, तमाम तरह की घोषणाएं हैं। झारखंड में सकल घरेलू उत्पाद में 4.7% की गिरावट दर्ज की गई, तो पंचायती राज के लिए 2015 करोड़ 47 लाख रुपए का आवंटन। और उसके साथ तमाम जो बड़ी चीजें हैं, जो बड़ी घोषणाएं हुई हैं, तो वर्तमान में 80 लाख लीटर प्रतिदिन उत्पादन हो रहा है। और बड़ी घोषणा, आपको बताएं कि कल के दिन जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पेश की गई थी वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव द्वारा, एक संसदीय, कह सकते हैं एक संसदीय परंपरा रही है कि उस दौरान जो इकोनॉमी सर्वे रिपोर्ट पेश की गई उसमें दिखता है कि झारखंड में अर्थव्यवस्था को लेकर हम उस मोर्चे पर कितने मजबूत हैं और कहां डिगे हैं। इसी को लेकर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कल इकोनॉमी सर्वे रिपोर्ट पेश की थी, कहें तो एक तरह से यह संसदीय परंपरा रही है। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए, जो कुछ आज सदन में हुआ, बजट पेश की गई, इस पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शहनवाज अख्तर जुड़ रहे हैं। शहनवाज, जितनी आकांक्षाएं, जितनी उम्मीद थी इस बजट से, क्या वो उम्मीद अब पूरी हो जाएगी? झारखंड वासियों की सुबह से नजर थी कि आज बजट में क्या कुछ हो रहा है, न्यूजीलैंड भारत की विशेष नजर थी, क्या कुछ हुआ है आज के बजट में, किन किन मुद्दों पर सरकार ने थोड़ी रियायत दी है, क्या कुछ हुआ है, पूरे बजट के बारे में आप थोड़ी संक्षिप्त वर्णन हमारे दर्शकों को दें। देखिए, मैं बहुत ही ध्यान से बजट की जो कॉपी थी उसको पढ़ रहा था और सुन भी रहा था, हालांकि ऑडियोबल नहीं था, बहुत साफ आवाज आ नहीं रही थी, लेकिन फिर भी जो 1,01,100 करोड़ का जो बजट पारित हुआ है, उसमें बहुत सारे ऐसे
ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे बिंदु हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट के हैं, छात्रों के इंटरेस्ट के हैं, किसानों के इंटरेस्ट के हैं, भले ही इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो, लेकिन ऐसी बुनियादी चीजों को जरूर एड्रेस करने की कोशिश की गई है। जैसे मैं मिसाल के तौर पर आपको बता दूं कि हर जिला अस्पताल अब 300 बेड का होगा जी। तो ये इससे डायरेक्टली इन्वॉल्व है, राज्य की जो गरीब लोगों की स्वास्थ्य की सुविधाएं वहां पर मिलेंगी। रिम्स है, MGM अस्पताल है, धनबाद का जो अस्पताल है उसको और ज्यादा अपग्रेड करने के लिए भी फंड दिया गया है। राज्य में फ्लाइंग स्कूल खोलने की बात कही गई है, एयर एम्बुलेंस देने की बात कही गई है सरकार की तरफ से, ये कुछ नई बात है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड की बात की गई है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इसको कहते हैं, ये क्रेडिट कार्ड होगा किसी भी व्यक्ति, किसी भी गरीब घर के स्टूडेंट के पास, छात्रों के पास, तो वो उससे समय समय पर कहीं कोई किताब खरीद सकेगा, ट्यूशन फीस भर सकेगा, एडमिशन ले सकेगा। कोचिंग बहुत महंगी हो गई है, कोचिंग जो महंगी है उसको पेमेंट कर सकेगा, ये एक नई पहल है। इसके अलावा जो हर स्टेट में, हर जिले में एक लाइब्रेरी होगी, इसके अलावा एक रीडिंग रूम होगी, रांची में भी एक रीडिंग रूम बनेगा जहां पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी भी होगी। CM सारथी योजना भी एक लॉन्च की गई है जिसमें कोचिंग कराई जाएगी एक्सपर्ट के द्वारा गरीब छात्रों को, जो चाहता है, गरीब के मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गरीबों को ही, कोई भी स्टूडेंट अगर वो चाहता है कि वहां पर जाए, तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, अन्य तरह के प्रमाण पत्रों के लिए भटकना पड़ता है छात्रों को, बच्चों को, उसके लिए भी एड्रेस किया गया है, बजट में प्रावधान किया गया, और स्कूलों में कहा गया है कि अब जाति प्रमाण पत्र विशेष रूप से बनाए जाएंगे। इसके अलावा कि खेती किसानी पर फोकस है, मनरेगा के जो दिवस होते हैं, मानव दिवस, उसको बढ़ाने की बात है, तो सारी चीजों की, जैसे एक ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जा रहा है, पथ निर्माण की बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, जैसे कि रांची को भी एड्रेस किया गया है नगर विकास विभाग के बजट दे करके कि एक राजधानी राजधानी जैसी दिखनी चाहिए, यहाँ पर जाम की समस्या है उसको एड्रेस किया गया है, उसके लिए सीरम टोली फ्लाईओवर, रातू एलिवेटेड कॉरिडोर, इसके अलावा एक रोड चौड़ीकरण होगा नेवरी से लेकर के सीधे नामकुम तक जो कांटा टोली होकर के जाएंगे, तो ये सारी चीजें एड्रेस की गई हैं बजट में। सिंचाई पर भी फोकस किया गया है, सिंचाई के मॉडर्न तरीकों को इंप्लीमेंट करने की बात है, और बहुत सारी चीजें, स्वास्थ्य में बहुत सारी चीजें हैं, पथ निर्माण में, भवन निर्माण में कहा गया है 4-5 जिलों में समाहरणालय और अनुमंडल कार्यालय बनाए जाएंगे, क्योंकि सरकार के संचालन के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा माहौल की भी जरूरत होती है। शाहनवाज, लेकिन शाहनवाज हम ये भी जानना चाहेंगे कि गरीब किसानों के लिए जो है 100 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी गई है, इसका कितना असर जो है वो किसान पर पड़ेगा, गरीबों पर पड़ेगा? चूंकि लगातार जिस तरीके से सरकार भी कृषि के क्षेत्र में काम कर रही थी और जिस तरीके से उनका दावा था कि लगातार हम कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं, तो 100 यूनिट जो बिजली मुफ्त की गई है उसका कितना असर झारखंड में गरीबों पर पड़ेगा, उसका क्या असर रहेगा? देखिए, बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी अभी सरकार ने बजट से पहले ही एक और योजना लाई है जिसमें 10 लीटर पेट्रोल 25 रुपए की सब्सिडी खाते में वापस करने की योजना है जी। हालांकि इस योजना को बहुत हल्के में लोगों ने लिया है और बहुत इसको आलोचना का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इसका बड़े पैमाने पर लोग लाभ उठा रहे हैं। जो राशन कार्ड होल्डर्स लोग हैं वो उठा रहे हैं लाभ। अब इसी तरह से अगर ये 100 यूनिट बिजली फ्री मिलती है तो जाहिर है गरीबों को ही मिलेगी, और जो गरीब लोग हैं वो ऐसे भी बिल कम ही दे पाते हैं, तो जाहिर है डिफॉल्टर नहीं होंगे, कोई केस का मुकदमा जैसी चीज़ों में नहीं फंसेगा। जाहिर है 100 यूनिट बिजली बहुत होती है किसी भी एक छोटे से एक रूम के मकान, एक झोपड़ी, एक अगर कोई है, कोई व्यक्ति अगर अभाव में है, कोई उसके पास पैसे नहीं है, तो एक बड़ी योजना है और दरिया दिली है इसको कहेंगे जी। कि सरकारों को तो ये देखा जाता है कि गरीबों के पेट से चीजें निकाल के अमीरों को परोसती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाती हैं, बिल्कुल, लेकिन गरीबों को अगर कोई चीज अगर मिलती है तो ये इसका सराहना होनी चाहिए, और 100 यूनिट बिजली एक अच्छा कदम है, खास करके उसमें अगर किसानों को शामिल कर दिया गया है, गरीबों और किसान शब्द भी इस्तेमाल किया गया, तो जाहिर है खेती किसानी करने वालों के लिए बड़ी राहत मिल जाएगी जी। शाहनवाज,
कोरोना के दरमियान करीब 5,00,000 से भी अधिक लोगों की जाने जो है वो झारखंड में गई है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए इस बार क्या प्लान रहा है पूरे बजट में और क्या कुछ होना है बजट के दरमियान, क्या किस बात की घोषणा हुई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, क्या कुछ कहा गया है? क्योंकि लगातार जिस तरीके से शहनवाज लगातार जो विश्लेषक हैं, जो स्वास्थ्य विश्लेषक है, वे कह रहे थे कि जिला अस्पतालों में करीब 100 से बढ़ाकर जो है वो 300 बेड किए जाएंगे, इसके साथ साथ जो है क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी बनाया जाएगा। तो क्या कुछ घोषणा हुई है बजट में स्वास्थ्य को लेकर? देखिए, जैसा कि आपने पहले अभी जिक्र भी कर दिया, तो जितने भी जिला अस्पताल हैं उसका तो उन्नयन कोविड पीरियड में ही हो गया था, सब जगह ऑक्सीजन प्लांट पहले ही लगा दिए गए। साथ ही अब 300 बेड की कैपेसिटी कर दी जाएगी तमाम जिला अस्पतालों की। झारखंड में 24 जिले हैं, 24 जिलों में अगर वहां के जिला अस्पताल इतने सुंदर, इतने साफ सुथरे और 300 बेड के हो जाएंगे, उसमें ऑक्सीजन की सुविधा पहले, जनरेटर की सुविधा पहले हो चुकी है। शहनवाज, हम आपको यहां रोकना चाहेंगे, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक, आप हमारे साथ बने रहेंगे। इसके बाद ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे फिर इस पर चर्चा होगी, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर राव ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश कर दिया है। 1,01,101 करोड़ का बजट पेश किया गया है। राजस्व से करीब 24,850 करोड़ प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। खैर, राजस्व से 13,762 करोड़ 84 लाख प्राप्त होने का अनुमान है। केंद्रीय सहायता से 17,405 करोड़ 74 लाख रुपए मिलने का अनुमान बताया गया है। इसके साथ आपको बताएं, केंद्रीय करों से राज्य की हिस्सेदारी के रूप में 27,06 करोड़ 58 लाख मिलने का अनुमान भी बजट में किया गया। आपको बताएं कि ग्रामीण विकास के लिए 8,031 करोड़ का प्रावधान किया गया है इस बार बजट में। यूनिवर्सल पेंशन योजना को सरल किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए गर्म पोशाक वितरण होगा। जाहिर तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है सरकार ने और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए गर्म पोशाक वितरण होगा। इसके साथ साथ पोषक के लिए अंडा वितरण होगा, एक एक वाटर प्यूरिफायर का वितरण होगा। 14,000 किशोरियों का 8वीं एवं 9वीं में नामांकन करने का प्रस्ताव। स्कूली शिक्षा के तहत जीरो ड्रॉपआउट बच्चों को, जिसमें 6,00,000 बच्चे बाहर हो गए, इसे फिर से जोड़ने का लक्ष्य। किसानों के लिए 40 करोड़ का कॉर्पस फंड भी दिया जाएगा। पारा शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी होगी, 600 करोड़ का प्रावधान। मध्याह्न भोजन के लिए 136 करोड़ का प्रावधान किया गया। आपको बताया शिक्षकों के लिए पद सृजन होगा। गुणवत्ता शिक्षा के लिए ज्ञानोदय शिक्षा के तहत शिक्षकों को टैब उपलब्ध कराया जाएगा। कस्तूरबा गांधी के छात्रों के अतिरिक्त छात्रावास निर्माण होगा, 200 करोड़ का प्रावधान। रांची में एक रीडिंग रूम का निर्माण होगा ताकि बच्चे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर सकें। उच्चतर शिक्षा के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड शुरू होगी। रामगढ़ जिला में डिग्री कॉलेज की स्थापना, शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। तो कई सारे ऐसे मसले हैं शिक्षा को लेकर, जाहिर तौर पर बजट में बहुत कुछ प्रावधान किया गया है। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शहनवाज अख्तर हैं। शहनवाज, शिक्षा के तौर पर, शिक्षा के मोर्चे पर सरकार अपना झंडा गाड़ने को तैयार दिखी है। बजट में बिल्कुल कई तरह के वादे किए गए हैं, कई तरह के प्रावधान लाए गए हैं। लाइब्रेरी खोलने की बात की गई है, क्या क्या है शिक्षा को लेकर, एक बार हमारे दर्शकों को सरल भाषा में बताएं। देखिए, सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट मुझे लगा है जी कि ये रेमेडियल एजुकेशन का एक हेड बनाकर 135 करोड़ रुपए के आसपास उसके लिए फंड रखा गया है जी। और ये जो फंड है वो जो कोविड पीरियड के दौरान जो पढ़ाई का हर्ज हुआ है, बच्चे ऐसे ऐसे स्कूलों के बच्चे हैं जो बिल्कुल क ख ग घ भूल गए हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खास करके सरकार ने एक प्री बजट जो एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें एक्सपर्ट आए थे, उन्होंने कहा था, जया दरेज ने कहा था कि बच्चे प्री इंडिपेंडेंस इरा में पहुंच गए हैं, इतना पढ़ाई का लॉस हुआ है कोविड पीरियड के दौरान, तो उसको सुझाव को एज इट इज शामिल करते हुए सरकार ने एक बड़े बजट का प्रावधान करते हुए रेमेडियल एजुकेशन क्लास के तौर पर एक सेगमेंट गढ़ा है, जहां जितने भी सरकारी स्कूल है, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हैं, चाहे वो उच्च विद्यालय हैं, तमाम जगह रेमेडियल क्लास होगी जी। अगर कोई चाहे तो ट्यूटोरियल ले सकता है, टेक्निक की मदद से पुरानी चीजों को भी थोड़ा सा रिवाइव करते हुए, तो एक बड़ी घोषणा ये मुझे लगती है। इसके अलावा स्कूलों में शिक्षकों की कमी,
को भी एड्रेस किया गया और कहा गया है कि शिक्षकों की कमी पूरी की जाएगी, पारा शिक्षकों के मानदेय में 50% की वृद्धि और उन्हें असिस्टेंट टीचर्स का दर्जा देकर के एक जमाने से जो केओस चला रहा था पारा टीचरों को लेकर के, तरह तरह के जो आंदोलन होते थे, पढ़ाई बाधित होती थी, ये सब कुछ वापस अब स्कूल में फोकस करेंगे। इतने सारे 70-75 हज़ार पारा टीचर्स को सरकार ने सरकारी नौकरी एक तरह से दे दी है, एक बहुत बड़ा कदम है। और ख़ास करके शिक्षा के क्षेत्र में और भी चीज़ें हैं, ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स के लिए योजना चल रही है, फिर से किशोरियों को वापस विद्यालय में लाने के लिए कस्तूरबा गांधी जो स्कूल हैं वो सब कुछ बहुत उन्नयन करके उसको और ज़्यादा अप टू डेट करके, खास करके ई बोर्ड और तरह तरह के जो टेक्निकल क्लासेस होंगे। आकाश, मैं आपको मिलवाना चाहूँगा अपने चैम्बर के जो प्रवक्ता हैं दीनदयाल बर्नवाल जी, वो जी। भी मेरे साथ बजट को देख रहे थे जी, और वो करीब करीब हम लोग साथ ही देखना शुरू किया हम लोगों ने, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो नई थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो एड्रेस रह गई हैं, बहुत सारी चीज़ें शामिल नहीं हो सकती हैं जाहिर है बजट में। तो एक्सपर्ट हैं दीनदयाल जी, खुद अपने खुद बताएं आप कि दीनदयाल जी, न्यूज़ 11 के सीधे प्रसारण में आपका स्वागत है, और सबसे पहले तो आपको बजट पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? नहीं देखिए, बजट तो निश्चित तौर पे राज्य के विकास के लिए बनता है, एक्सपर्ट द्वारा बनाया जाता है, जिसमें राज्य के विकास का एक आईना होता है, और मुझे लग रहा है कि 20 सालों से आज तक जो भी बजट बना है सब राज्य के विकास के लिए ही बनता है। इसमें चैम्बर को लगता है कि जो बजट बना है वो बेहतरीन बना है, और लगातार जब भी बजट आती है बेहतरीन ही आता है, परंतु जरूरत है उसको बेहतर ढंग से एक्सक्यूशन करने का। अगर मैं पूछना चाहूंगा, माफ कीजिएगा, कि कुछ 4-5 पॉइंट जो अच्छे लगे, फिर मैं जो अच्छे नहीं लगे वो पूछूंगा। नहीं नहीं देखिए, जैसे मान लिया पारा शिक्षक वाले उनको मानदेय का देना, वृद्धि देना, या उनको फिर असिस्टेंट टीचर्स के का दर्जा देना, या आप समझिए कि औद्योगिक विकास के लिए उन्होंने जो भी एक बजट 160 करोड़ का रखा है वह भी बेहतर रखा है। मुझे लग रहा है कि कुछ और बेहतर होना चाहिए था, लेकिन चलिए जो है वो बेहतर है। मुझे लग रहा है कि सिंगल विंडो सिस्टम का लगातार 20 वर्षों से चला आ रहा था, पिछले बार भी बजट में रखा गया था, फिर से वित्त मंत्री जी ने कहा कि नहीं, सिंगल विंडो सिस्टम को और भी मजबूत किया जाएगा, या कुल मिला के हमें लग रहा है कि एक विकास के का पैमाना जरूर खींचा गया है, इसमें कोई शक नहीं है, बशर्ते अधिकारियों द्वारा उसको बेहतर ढंग से एक्सक्यूशन में लाया जाए। अगर मैं स्वास्थ्य के बारे में बात करूं, स्वास्थ्य चूंकि अभी सबका मुद्दा हो गया है कोविड के बाद से, तो इसको लेकर के क्या आपको लगता है? देखिए, स्वास्थ्य एक ऐसा मुद्दा है जिसपे कि जब भी जितना भी आप व्यवस्था करें वो कम ही नजर आता है। इसका कारण ये है कि ना तो डॉक्टर की उतनी ज़्यादा अच्छी व्यवस्थाएं हैं, और ना ही प्राथमिक जो ये आपके स्वास्थ्य केंद्र हैं उसकी व्यवस्था। तो मुझे लग रहा है कि इसमें सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और सरकार ने अपने बजट में लाया भी है कि स्वास्थ्य पे इस बार फोकस रहेगा, और अगर स्वास्थ्य और शिक्षा में, ये दोनों में अगर सरकार का फोकस आ जाए तो मुझे लग रहा है कि झारखंड का और झारखंड के बजट का इससे बेहतर पैमाना नहीं हो सकता। शिक्षा की भी बात कर लेते हैं, शिक्षा भी प्राइम फोकस में है, शिक्षा के लिए रीडिंग रूम की व्यवस्था की जा रही है, सीएम सारथी योजना के तहत कोचिंग इंस्टीट्यूट सरकार बनाने जा रही है, जिला में तमाम लाइब्रेरी बनने जा रही है, ये सी चीजें तो पहले चीजें, इन चीजों को कोई फोकस नहीं था, गुरुजी क्रेडिट कार्ड है निश्चित तौर पर, इसलिए मैंने कहा देखिए कि जो लाया जा रहा है उसका एक्सक्यूशन बेहतर तरीके से हो, क्योंकि जो चीज आप ला रहे हैं बजट में अगर वो अधिकारियों द्वारा उसको बेहतर तरीके से धरती पर उतार दिया जाए तो झारखंड का बेहतर निर्माण में और बेहतर बजट का उपयोग हो पाएगा। बजट में जब भी आता है, जैसे पिछले बार मैंने कहा कि पिछले बार सिंगल विंडो सिस्टम का आया था, लेकिन उसका कहीं भी दिखा नहीं, कहीं कहीं नहीं दिखा कि सिंगल विंडो सिस्टम जब सरकार ने लाया फिर से वित्त मंत्री जी को घोषणा करना पड़ रहा है कि और बेहतर बनाएंगे। उसमें क्या बेहतर बनाना, सिंगल विंडो सिस्टम मतलब एक विंडो के तहत सभी लाइसेंस की प्राप्ति करना, ताकि उद्योगपति और व्यापारी एक बेहतर माहौल में अपना व्यापार कर सके, उद्योग चला सके, तो इसके लिए एक साल क्यों लग गया? तो मुझे लग रहा है इसमें अधिकारियों को जरूर सोचना चाहिए कि सरकार जब कोई बजट लाती है और बजट बेहतर ढंग से बनाती है तो उसका एक्सक्यूशन भी बेहतर तरीके से हो, ताकि व्यवसायियों को, उद्योगपतियों को एक बेहतर माहौल मिले।
आकाश, अगर कुछ और शेष रह गया हो, कोई अगर और बिंदु कोई ऐसा बचा हो। शहनवाज, मैं चाहता हूं कि एक बार, चूंकि एक्सपर्ट हैं और लगातार जो है वो फॉलो करते रहे बजट को, मैं भी जानना चाहता हूं कि किसानों को लेकर जितना कुछ किया गया है, कॉर्पस फंड 40 करोड़ रुपए का अलॉट किया गया है, इसका प्रावधान किया गया है, और जिस तरीके से लगातार कृषि ऋण माफी की योजना की शुरुआत पिछले साल फरवरी में हुई थी, करीब 3 लाख से अधिक लोगों को इसका फायदा मिला है, कृषि ऋण माफ हुए हैं, 1400 करोड़ की राशि से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है, कॉर्पस फंड के माध्यम से कितने किसानों को फायदा हो सकता है और क्या होगा, कॉर्पस फंड में क्या क्या प्रावधान है, इसके बारे में भी जरा एक्सपर्ट से राय ली जाए। स्टूडियो से सवाल है दीनदयाल जी कि खेती किसानी भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट होता है, खास करके ऋण माफी एक योजना सरकार ने लाई थी, उसमें भी बड़े पैमाने पर किसानों के ऋण माफ हुए हैं, इस बार भी 1400 करोड़ का कॉर्पस फंड बना करके किसानों के और खेती किसानी में नए नए टेक्निक को लाने की योजना बजट में दिखाई दी है, सुनाई दी है, आपकी राय? नहीं, किसानों के लिए और ग्रामीणों के लिए और जंगल में रहने वाले यहाँ के लोगों के लिए जो भी राहत सरकार दे रही है या सरकार देगी, उसका चैम्बर बहुत बहुत समर्थन करेगा। और मुझे लग रहा है कि अगर किसान झारखंड का समृद्ध हो जाए तो इससे बेहतर राज्य का समृद्धि में और कोई पैमाना नहीं हो सकता है, मुझे लग रहा है। लेकिन जरूरत, मैंने फिर से कहा कि जरूरत है उस कारकस फंड को बेहतर उपयोग करने की, ना कि लास्ट में पता चले कि मार्च लूट करके और जितना नहीं हो पाया सरेंडर कर देना। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, पिछले बार केंद्र सरकार की एक टेक्सटाइल पार्क के लिए 500 करोड़ रुपया बजट आया हुआ है, 1000 एकड़ जमीन में टेक्सटाइल पार्क बनना था, ना सरकार ने उनको 1000 एकड़ जमीन उपलब्ध कराया और ना ही वह 500 करोड़ बजट झारखंड को मिल पाया, जिसके कारण हजारों रोजगार का सृजन होता। तो मुझे अब नेगेटिव बात आज तो कम से कम नहीं करना है, मुझे इतना ही कहना है सरकार से भी और अधिकारियों से भी कि आप जमीन में उतरिए, आप इंडस्ट्रियल एरिया जाइए, आप जमीन में उतर के देखिए कि आपकी जो घोषणाएं हैं उसका असर कुछ पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। अगर पड़ रहा है, अगर आपके मन में लग रहा है कि वो असर पड़ रहा है, तो निश्चित तौर पर पड़ेगा। 100 यूनिट बिजली फ्री गरीबों को और किसानों को देने की बात नहीं, ये तो मैंने देखा नहीं, क्या ये आज हो गया क्या बजट में? हाँ, तो ये तो ठीक है, गरीबों लोगों को तो बिजली सबको मिले, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए, और 100 यूनिट अगर गरीबों को उपलब्ध कराई जा रही है तो सही है। लेकिन जो 1000 यूनिट या 2000 यूनिट या इंडस्ट्री जो यूनिट लेते हैं उनको कम से कम बिजली मिलता रहे, इस पर भी जरूर सरकार को फोकस रखना चाहिए। जी आकाश, जाहिर तौर पर जिस तरीके से किसानों को लेकर आज बजट पेश की गई, उस प्रावधान कई सारे किए गए हैं, इस पर एक सवाल शहनवाज मेरा आपसे ये भी है, आदिम जनजातियों को लेकर भी सरकार संवेदनशील दिखी है, 22 जो है वो एम्बुलेंस मुहैया कराए जाने की बात जो है उसका प्रावधान जो है किया गया है बजट में, तो किस तरीके से सरकार लगातार आदिम जनजातियों को भी, जनजातीय समाज को भी अपने साथ जोड़ने के लिए काम कर रही है, आपकी इस पर क्या राय है? देखिए, बहुत अच्छी पहल है। आदिम जनजातियों की अगर हम बात करें तो राज्य में विलुप्त तो हो जाने वाली 8-10 प्रजातियां हैं यहाँ पर, जो बहुत ही दयनीय स्थिति में, ऐसे आज के दिन में भी वो ऐसे झोपड़े बना के रहते हैं जिसमें कपड़े ऊपर रखे रहते हैं, आंधी में, पानी में, बरसात में, वो भी इंसान हैं और काफ़ी समृद्ध हैं कला संस्कृति और अपने जो पुराने हुनर हैं, ऐसे ऐसे औजार, ऐसे ऐसे वाद्य यंत्र वो बनाते हैं। एक कार्यशाला अभी हाल फिलहाल हुई थी जिसमें उनके द्वारा बनाए गए वाद्य यंत्र ऐसे ऐसे टिपिकल होते हैं। शहनवाज, मैं आपको रोकना चाहूंगा, लगातार कई संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कई तरह के खबरें हैं, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ विपिन जुड़ रहे हैं। विपिन, आप बजट पर लगातार खबरें करते रहे, लगातार बहुत नजदीक से उसे कवर करते रहे, कैसा रहा बजट, हमारे दर्शकों को आम और बिल्कुल सरल भाषा में बताइए। देखिए, न्यू झारखंड का बजट इसे हम कह सकते हैं, हर प्रक्षेत्र के लिए इसमें सरकार ने प्रावधान किया है। जो सबसे बड़ी बात आकाश कि झारखंड बनने के बाद पहली मर्तबा झारखंड का बजट जो है वो 1 लाख करोड़ का आकार छूने में इस बार सफल हुआ है। बीते वित्तीय वर्ष में झारखंड की सरकार ने 91,277 करोड़ का बजट ले किया था हाउस में, और इस बार 1,01,101 करोड़ का बजट जो है इस वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इसका प्रावधान किया गया है। और इस बजट के अगर मूल विषयों पर
पर अगर बात करते हैं तो जिन क्षेत्रों से सरकार को उम्मीद है आकाश, उसके अनुरूप जो राजस्व व्यय के लिए इस बार झारखंड की सरकार ने 76,273 करोड़ 30 लाख रुपया का प्रावधान किया है। पूंजीगत व्यय के लिए 24,827 करोड़ 70 लाख का प्रावधान किया गया है। सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 31,896 करोड़ 64 लाख का प्रावधान किया गया है। वहीं सामाजिक प्रक्षेत्र की अगर बात करें तो 37,313 करोड़ 22 लाख का, आर्थिक प्रक्षेत्र में 31,891 करोड़ 14 लाख का, और अगर राजस्व की बात करें तो राज्य को अपने राजस्व से करीब 24,850 करोड़, गैर कर राजस्व से 13,762 करोड़ 84 लाख प्राप्त होंगे। ये बजट किस तरह से आकाश है तो मैं बताऊंगा। फिलहाल हमारे साथ झारखंड विधानसभा के कई सदस्य जुड़ेंगे इस बजट पर। फिलहाल बीजेपी विधायक जेपी पटेल हमारे। बिपिन, मैं आपको रोकना चाहूंगा। रामेश्वर उरांव इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बजट को लेकर, क्या कुछ कह रहे हैं हम अपने पहले दर्शकों को सुनाते हैं। 40 कॉपी मेंबर को मिलता है। अरे ना ना यार, 35 इशू क्या आप देने में, आप 200 कॉपी दे दीजिए, 200 कॉपी आनंद जी दे दीजिए, 35 देंगे। हमारा विभाग है। होना चाहिए युवाओं को रोजगार देने की चर्चा होना चाहिए, शिक्षा को आप आगे बढ़ाने के लिए इस बजट में एक भी महिला, एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की चर्चा नहीं है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ चर्चा नहीं है, तो कहीं ना कहीं अब बजट धोखा है झारखंड के लोगों के साथ। अमित जी, धोखा है आपके साथ ही बता रहे हैं, कुछ भी अच्छा इस बजट में विपक्ष को लगा? देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो सरकार ने 21-22 में कम किया, जिसका ये खामियाजा निकला, GSDP राज्य का पूरा एकदम गर्क में चला गया। 22-23 में सरकार ने कहा है कि हम 59% में बढ़ोतरी करेंगे, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं 21-22 में गलती की थी, जिसका खामियाजा आज पूरे प्रदेश को मिल रहा है। आप बताइए कि लोग ये कह रहे हैं कि ये जन भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। आज मेरे सामने पोषण सखी बहनें हैं जिनको 12 महीने से मानदेय नहीं मिला है, जिसको आपने ये घोषणा किया था सबको स्थाई कर देंगे, आज आप ना पैसा दे पा रहे हैं, ना स्थायीकरण की बात कर रहे हैं, ना अपनी चुनावी घोषणा को पूरा कर रहे हैं, तो आप बताइए किस आधार पर आप बोल रहे हैं कि जन आकांक्षाओं से जुड़ा हुआ बजट है। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ऐसी छोटी छोटी समस्याओं का निराकरण सरकार नहीं करेगी, जब तक पोषण सखी बहनों को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक मानदेय भोगियों को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक सरकार अपनी पूरे चुनावी घोषणा को पूरा नहीं करेगी, तब तक ये बजट लाने का कोई फायदा नहीं है। 100 यूनिट फ्री आपने बिजली तो बोल दिया, आपने ये कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में दो दो बिजली बिल आ रहा है एक ही परिवार को, उसको ठीक कौन करेगा? सरकार को ठीक करना है, तो सरकार सिर्फ घोषणा की सरकार ना बने, सरकार को चीजों को धरातल में उतारने के लिए काम करना पड़ेगा। आज जो पोषण सखी बहने हैं, जो दो की मौत हो चुकी है सरकार के खामियों की वजह से जो मौत हुई, उसका कौन जवाब लेगा? सरकार को कहीं ना कहीं जवाब लेना चाहिए। ये लोग धरना स्थल पर बैठी है, कोई मंत्री जाके इनकी बातों को नहीं सुन रहे, नहीं जान रहे, और इनके चीजों को कैसे ठीक करे उसको लेकर भी सरकार गंभीर नहीं दिख रही, जिसके कारण ये बजट जो है ये अटर फेलियर है। 10 में से मैं इस बजट को 0 मार्क्स दूंगा। पोषण सखी बहने भी यहाँ पे हैं, वो भी इस बजट को लेकर काफी उत्साहित थी, लेकिन आज उनका भी जो मनोबल था वो टूट गया। जी आकाश, जाहिर तौर पर जिस तरीके से बात की जा रही है और जिस तरीके से भाजपा के तमाम विधायकों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है, हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे बिपिन कि पीडीएस सिस्टम में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में एक बड़ा प्रावधान किया गया, करीब 15 लाख परिवारों को इसमें जोड़ने की कवायद की गई, इसके साथ साथ पीडीएस दुकानों से 1 रुपए में 1 kg दाल दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। क्या यह पूरा प्रावधान एक बार हमारे दर्शकों को बताइए, और इससे कितना फायदा ग्रामीण लोगों को होने वाला है, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो लगातार एक सक्षम वर्ग में आने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।